गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्पोकन इंग्लिश में आज हम शॉर्ट फॉर्म्स करेंगे। शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं आप ये ध्यान से देखेंगे और ये आपके हमेशा काम में आने वाली चीज़ है। यू आर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? यू और ऊपर ई कोमा लगा के इसका ए हट जाएगा, आर ई। योर, दे आर, इसमें दे कोमा और ये आर ई हो जाएगा। ही विल, ऐसे लिखा जाएगा। शी विल, यू विल, डू नॉट को डोंट, डज नॉट को डजंट, डिड नॉट को डिडंट, हैव नॉट को हैवंट, इसको पढ़ने में भी ऐसे ही बोलेंगे। आई एम को आई एम, ऐसे लिखा जाएगा। इसका ए हटा के ऊपर कोमा लगा देंगे। वी शैल को ऐसे लिखा जाएगा। दे विल, हैज नॉट को हैजंट, हैड नॉट को हैडंट, इज नॉट को इजंट, आर नॉट को आरंट, कैन नॉट को कांट, कुड नॉट को कुडंट, वाज नॉट को वाजंट, हीज को हीज, ऐसे लिखा जाएगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये लिखेंगे आप तो भी सही है, अगर आप इनके ये लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में तो ये भी सही है, लेकिन आपको दोनों ही तरीके पता होने चाहिए। नेक्स्ट है वर्ड मीनिंग। इनसाइड, भीतरी भाग यानी अंदर का भाग, और इनसाइट, ये इनसाइड और ये इनसाइट। इनसाइट मतलब अंतर्दृष्टि, जो हमारी बिल्कुल अंदर की गहरी समझ होती है, जो बिल्कुल हम अपने अंतरिक दिमाग से सोचते हैं। इनसिग्निफिकेंट, नगण्य, जिसको उपेक्षित समझते हैं हम, जिसकी उपेक्षा की जाती है, किसको कोई वैल्यू नहीं है जिसकी। इनसिपिड मतलब स्वादहीन, जिसमें कोई स्वाद नहीं होता। इंसिस्ट मतलब हट करना, जिद करना या आग्रह करना। इनसोल्यूबल मतलब अघुलनशील पदार्थ, जो किसी भी चीज़ में नहीं घुलता। इंसोलेंट, बदतमीज या अक्खड़, जिसमें तमीज नहीं हो। इंस्टेंट, तुरंत या क्षण। इंस्टीड, के स्थान पर, जैसे ऑप्शन कोई होता है। इंस्ट्रक्टिव, शिक्षाप्रद, जो हमें कुछ अच्छी शिक्षा देता है। इम्प्रूव, सुधारना या बेहतर करना। इंटीजर, गणित में जो पूर्ण संख्या होती है उसको मैथ में हम क्या बोलते हैं? इंटीजर। इंसल्ट, अपमान या बेइज्जती। इंटेंशन, इरादा। ये आप अच्छे से याद करेंगे और लिखेंगे। थैंक यू।